बाबा साहब के बताए मार्ग पर देश विकास प्रगति एकजुटता समानता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब के आदर्श उनके विचार आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणास्पद हैं। उक्त बातें बाबा साहब के जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक में बौद्ध महार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने कही। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, वार्ड की मूलभूत मांगों को पूरा किया जाएगा। विभिन्न विकास कार्य के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही अंबेडकर समाज के सामुदायिक भवन का भी नवनिर्माण के लिए अध्यक्ष निधि से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्ष नपा उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद सुरेंद्र सोनटेके ने किया। विशेष अतिथि के रूप में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त श्री सुखदेवे एवं समाज प्रमुख सुजीत कटारे मौजूद थे। इसके पूर्व अंबेडकर वार्ड पहुंचने पर महार सामान्य अतिथियों का पुष्पमाला से जोशीला स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहेब को प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उक्त वार्ड को नगर का मॉडल वार्ड बनाने की घोषणा किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से वार्ड को स्वच्छ और सुंदर रखने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर नपा उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके ने कहा कि बाबा साहब ने सामाजिक कुरीति का खत्म कर भाईचारे की भावना से रहने की सीख दी है। की सोच थी कि शिक्षित समाज ही विकास कर सकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुन्नू कुटारे, मुकुंद कुटारे, संजीव सोनटेके, देवेंद्र कुटारे, किशोर राम टेके, नागेश गजभिये, दीपक बौद्ध, नारद मेश्राम, छगन पचभिये, गिरधर भजभिये, सुभाष खापड़े, जितेश कुटारे, मुकेश रामटेके, गोविंद उइके, जयप्रकाश कुटारे, जितेश सुखदेवे, युवराज कुटारे, भीवा शेंडे, संतोष खापड़े, गोरेलाल गणवीर सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, उसमें भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति में सौंदर्यीकरण, अम्बेडकर भवन को डिसमेंटल, अम्बेडकर भवन में के लिए नई नवीनीकरण भवन के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है और विभिन्न रोड नाली की मांग थी 27 लाख रुपए की, उसकी भी घोषणा की गई है। जो अधोसंरचना मत से जो मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है 5 करोड़ रुपए हर नगर पालिका को, उस मत से कार्य कराया जाएगा। लेकर वार्ड वासियों द्वारा शपथ दिलाई गई है कि गरियाबंद में सबसे सुंदर स्वच्छ मॉडल वार्ड गरियाबंद वार्ड नंबर 10 बनाएंगे। लेकर आज सभी लोगों ने शपथ लिया है वार्ड नंबर 10 के मतदाताओं ने, और लोगों को प्रेरित किया जाएगा, लोगों को क्लास लगाकर बताया जाएगा कि कैसे स्वच्छ रहना है और कैसे हमारे वार्ड को स्वच्छ रखना है। और ऐसे भी वार्ड नंबर 10 में बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, बहुत से सरकारी अधिकारी हैं, वो खुद चाहते हैं कि हमारा वार्ड स्वच्छ रहे, अच्छा रहे। जब स्वच्छ रहेंगे हम तो स्वस्थ रहेंगे हम।